हमारा यूनिवर्स अपने अंदर इतने चमकीले ऑब्जेक्ट्स को छुपाए बैठा है जो एक झलक में ही हम इंसानों को अंधा कर सकता है। अगर मैं आपको पूछूं कि आपने आज तक सबसे चमकीली चीज क्या देखी है तो शायद आपका जवाब आसान हो, लेकिन हम और आप तो जानते ही हैं, हमारे यूनिवर्स के सामने हमारा सोलर सिस्टम तो कुछ भी नहीं है। इस सोलर सिस्टम से भी छोटा उसमें मौजूद स्टार यानी कि सन और उससे भी छोटी हमारी जमीन से भी कितने करोड़ गुना ज्यादा चमकीली चीज हमारे यूनिवर्स में जो मौजूद है, वेल इसका नाम है क्वाज़ार। ये इतना ज्यादा चमकीला होता है कि अगर किसी भी इंसानी आंख ने इसको एक सेकंड के लिए भी देख लिया तो वो फौरन अंधा हो जाएगा। तो आज हम इसी चमकीली चीज के बारे में बात करेंगे जो कई सालों से साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। क्वाज़ार को क्वासी स्टीलर ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म QSO है। दरअसल ये किसी गैलेक्सी का एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता है, जिसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी होता है, जिसका साइज हमारी सोलर सिस्टम से 1,000,000 से 1,000,000,000 गुना ज्यादा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ब्लैक होल गैस और डस्ट से बनी हुई एक डिस्क को घेरे होता है, जिसे कहा जाता है एग्रेशन डिस्क। अगर आपको नहीं पता तो हम ये बता दें कि किसी गैलेक्सी का एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस वो होता है जो उसके अंदर मौजूद होता है, और वहाँ से बहुत भारी तादाद में एनर्जी रिलीज होती रहती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल के आसपास मौजूद कोई भी चीज हमेशा ब्लैक होल के अंदर चली ही जाती है, इसलिए जो भी डस्ट और गैस ब्लैक होल के चारों तरफ से घेर रखा होगा वो भी ब्लैक होल के अंदर जाने लग जाती है, जिससे उसकी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और इसे अलग अलग टेलीस्कोप के जरिए देखा भी जा सकता है। और क्या आप लोग जानते हैं कि जिस लाइट को हम अपनी आंखों से देखते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ इस तरह की रेडिएशन होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हुए डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। खैर, इन्हीं सब चीजों की वजह से क्वाज़ार बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं। मतलब अगर एक साथ हजारों गैलेक्सीज को भी रख दिया जाए ना, तब भी एक अकेला क्वाज़ार उन सबको मात दे देगा। क्वाज़ार, जिसका फुल फॉर्म क्वासी स्टीलर रेडियो सोर्स होता है, ये नाम इसको इसीलिए पड़ा क्योंकि इन्हें सबसे पहले 1950 में देखा गया था, और तब ये रेडियो वेव की वजह से ढूंढे गए थे। तो यानी कि सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि उस वक्त साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि आखिर ये चीज क्या है, और इसलिए इन्हें बस सिर्फ इसी चीज से जाना जाता था कि ये भारी मिकदार में रेडियो वेव्स को छोड़ते हैं, और वहीं से इनका नाम क्वाज़ार पड़ गया। लेकिन जब इन्हें विजिबल वेवलेंथ में देखा गया तब ये पता चला कि ये छोटे छोटे बहुत धुंधले से पॉइंट है जो हमसे काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, और कुछ ना कुछ स्टार्स की शक्ल में दिखते हैं। बाद में हबल टेलीस्कोप जैसी दूसरी टेलीस्कोप्स ने भी जब इसकी पिक्चर्स खींची तो बाद में साइंटिस्ट को ये पता चला कि दरअसल ये गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा चमकीले होते हैं, और इन्हें दो गैलेक्सी के आपस में मिलने के टाइम पे भी देखा जाता है। क्वाज़ार के चमकीलापन इस बात से पता चलता है कि उस गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल का क्या रोल है, और ब्लैक होल में डस्ट और गैस जाने की आखिर स्पीड कितनी है, साथ ही में उसे ऑब्जर्व करने वाला इंस्ट्रूमेंट आखिर रखा कहाँ हुआ। ये क्वाज़ार काफी ज्यादा दूरी पर पाए जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला कि अब तो इनकी तादाद भी बहुत ही कम होने लग गई है, लेकिन करीब 10 अरब साल पहले यानी कि यूनिवर्स बनने के 3.5 बिलियन साल बाद काफी ज्यादा ये एक्टिव हुआ करते थे। अब आज तो साइंटिस्ट को ऐसे कई लाखों क्वाज़ार्स का पता चल चुका है, जिसमें से सबसे पास में मौजूद क्वाज़ार का नाम मार्क रेन 231 है, जो कि हमारी जमीन से 600 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। सबसे दूर में मौजूद क्वाज़ार हमेशा ही बदलते रहते हैं। 2017 में यूलास J1342+0928 एक ऐसा ही क्वाज़ार जिसको साइंटिस्ट ने ढूंढा था, जिसका साइज हमारे सन के साइज से 800 मिलियन ज्यादा। और उसके बाद 2021 के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने एक और क्वाज़ार को ढूंढा, जिसका नाम J0313-1806। ये जस्ट ब्लैक होल के पास मौजूद है। उस ब्लैक होल का साइज हमारे सन से 1.6 मिलियन ज्यादा है। ये क्वाज़ार हमारे यूनिवर्स के वजूद में आने के भी 67 करोड़ साल बाद से। रिसर्च यहाँ पर भी नहीं रुकी, और उसके बाद मार्च 2021 में आखिरी सबसे दूर के क्वाज़ार को साइंटिस्ट ने ढूंढ ही निकाला, जिसका नाम है PSOJ172.355666+18.7734। अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर ही रहे हैं, इसके फ्यूचर में भी कई ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इन्हें ढूंढा कैसे गया और कैसे इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। 1917 से 1922 के बीच में साइंटिस्ट को ये बात पता चल गई थी कि जो
विज्ञान के दूर मौजूद गैलेक्सी को नेब्यूला का नाम दे रहे हैं वो दरअसल गलत है और वो असल में नेब्यूला नहीं हमारी मिल्की वे जैसी ही गैलेक्सीज हैं। 1950 में जब रेडियो एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट हुआ यानी जब अलग अलग प्लैनेट्स और स्टार्स को ढूंढा जाने लगा तब एस्ट्रोनॉमर्स ने ये चीज देखी कि गैलेक्सीज के बीच में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। और रिसर्च करने पर साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि ये जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी और रेडिएशन को यूनिवर्स में छोड़ रही है लेकिन आंखों के थ्रू इनको देखना अभी भी बहुत मुश्किल था और अगर देखते भी तो बहुत दूर मौजूद किसी स्टार की धुंधली सी झलक नजर आती। इन्हीं चीजों के स्पेक्ट्रल लाइन भी ज्यादा अजीब थी और ये बता रही थी कि कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। लेकिन फिर स्पेक्ट्रल लाइन के जरिए ही साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि कोई प्लैनेट है या फिर कोई स्टार है। और जब और ज्यादा रिसर्च इन्हीं चीजों पर होने लगी तब साइंटिस्ट को एक बात और पता चली कि जो अपनी चमक को बढ़ाते और कम करते रहते हैं और ये चीज काफी ज्यादा तेज हो रही थी और ये सिर्फ इतना ही एक्सरेज को भी छोड़ रहे थे। और उसी वक्त इनका नाम क्वासी स्टीरियल रेडियो सोर्स रखा गया जिसका मतलब होता है गैलेक्सी में मौजूद ऐसी अननोन चीज जो बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स को स्पेस में छोड़ रही है। इन्हें सबसे पहले 1955 से 1960s में ढूंढ लिया गया था और 1960s के एंड तक इन जैसे सैकड़ों क्वासार्स ढूंढ भी लिए जा चुके थे। इन्हें ढूंढने के लिए साइंटिस्ट पूरे यूनिवर्स को स्कैन किया करते और जहां तक भी ज्यादा मिकदार में रेडियो वेव्स मिल रही होती थी तो ज्यादातर वहीं साइंटिस्ट को क्वासार्स मिल भी जाया करते थे। और उनमें से दो क्वासार्स का नाम था 3C48 और 3C273। जब इन्हीं पर और भी बहुत ज्यादा रिसर्च हुई तब ये पता चला कि ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे क्वासार्स बहुत ज्यादा मिकदार में रेडियो वेव्स को छोड़ते हों बल्कि हमारे यूनिवर्स में सभी क्वासार्स में से जस्ट 10% ऐसे क्वासार्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स को स्पेस में छोड़ते हैं। ये चीज पता चलने के बाद साइंटिस्ट ने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जिसमें से पहली कैटेगरी थी रेडियो लाउड और दूसरी कैटेगरी थी रेडियो क्वाइट। 1979 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की दी गई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल लेंस को क्वासार्स के जरिए ही तो ढूंढा गया था जिसका नाम था 0957561। फरवरी 2021 में जब साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि क्वासार्स एक डायरेक्शन में कुछ ज्यादा ही पाए जा रहे हैं लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि अगर इनको हबल टेलीस्कोप से देखा जाए तो ये हमसे तकरीबन 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि क्वासार्स बहुत पुराने वक्त से मौजूद हैं और इन्हें इनकी पावर गैलेक्सी के बीच में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल से मिलती है। गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है और ये इस बात से पता चलता है कि स्टार जोबलर शिफ्ट कर भी रहा है या नहीं। दरअसल जब भी यूनिवर्स में कोई भी चीज हमसे दूर जाती तो वो रेड कलर की दिखने लग जाती और इसी को डॉपलर शिफ्ट कहा जाता है और सिर्फ इसी को देखकर साइंटिस्ट ये पता लगा लेते हैं कि वहाँ पर ब्लैक होल है या नहीं। आज भी साइंटिस्ट क्वासार्स को रिसर्च करें और हर दिन एक नया डेटा सामने लेकर आते हैं।